हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर हमले के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए नूह में कर्फ्यू जारी है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। वहीं हिंसा में 10 पुलिस कर्मियों समेत 60 से अधिक लोग घायल हुए। नूह के अलावा सोहना, गुरुग्राम, पलवल समेत अन्य जगहों पर भड़की हिंसा और दंगा मामले में कुल 44 FIR दर्ज की गई है। साथ ही 70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। आसपास के शहरों में धारा 144 लागू है और शिक्षण संस्था बंद कर दी गई है और इस दौरान इलाके में पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां तैनात कर दी गई है। इधर हरियाणा पुलिस ने नूह दंगों में जान गंवाने वाले होमगार्ड नीरज और गुरु सेवक सिंह के आश्रितों को 57 लाख रुपए देने की घोषणा की तो वहीं हिंसा के चलते राजस्थान के भरतपुर में चौकसी बढ़ा दी गई। यहां कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। भिवाड़ी शहर में हाईवे किनारे 2 से 3 दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। तो वहीं हरियाणा सीमा से लगते यूपी के मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और मथुरा में सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो वहीं यूपी के 11 जिलों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भरतपुर के कामा से संवाददाता हरिओम मीणा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुकी है। हरिओम, बात अगर यहाँ पर नूह में जो हिंसा भड़की उसकी की जाए तो लगातार देखा जा रहा है कि भरतपुर में भी अब इंटरनेट सेवाएं कुछ इलाकों में यहाँ पर बंद कर दी गई है, क्या कुछ असर वहां पर देखने को मिला, जानकारी चाहेंगे। जी दीपिका, मैं एवन टीवी के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भरतपुर जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट की सेवा स्थायी रूप से बंद कर दी गई है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई तनावपूर्ण बात ना बने और उसी को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह पर नाकाबंदी कर और गश्त की जा रही है। फिलहाल में व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से बंद पड़ी है इंटरनेट की। जी दीपिका, बिल्कुल। हरिओम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना भरतपुर में देखने को मिली है अभी तक और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, प्रशासन की कंप्लीट तैयारियां हैं। जगह जगह प्रशासन मौजूद है, सभी अधिकारी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और इंटरनेट की जो सेवा है वो अभी बंद रखी है, क्योंकि असामाजिक तत्व इधर उधर से अनावश्यक रूप से पोस्ट डाल देते हैं। इसी को लेकर इंटरनेट की सेवाएं कामा, पहाड़ी, जोरेरा, नगर, सीकरी आदि इलाके में बंद कर दी गई है पूर्ण तरीके से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम का तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।